हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप एंड यू आर वॉचिंग गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर और 30 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले SSC CGS CHSL CPO एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। RRB का आपका कोई भी एग्जाम है, ग्रुप डी एग्जाम है, ALP एग्जाम है या फिर एग्जाम है RPF का एग्जाम, ठीक है, और स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम, यूपी वीडियो की वैकेंसी आई हुई है वो एग्जाम है, ठीक है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है वो एग्जाम है, या स्टेट लेवल राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, मध्य प्रदेश के अंदर कोई एग्जाम है, तो सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आया। बेसिक यहाँ पर कोई एडवांस GK टाइप के क्वेश्चन नहीं है, एडवांस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है और हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, तो थोड़ा सा आज इन्हें डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पूछे जरूर जाते हैं ये क्वेश्चंस भी, ठीक है। और साथ ही इसकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा, ये जंगा है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर है सिक्किम राज्य, भारत के सिक्किम राज्य। और कंचनजंगा पर्वत शिखर की एक बात मैं बताऊं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय की कंचनजंगा ही है। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है वो है कंचनजंगा। अगर केवल भारत की बात की जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन वो हिमालय पर्वत से संबंधित नहीं है, वो हो जाती है कराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उससे, ठीक है। और ओवरऑल अगर पर्वत चोटी की बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाती है माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखेंगे कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्लियर। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध सबसे ज्यादा नजदीक है, सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक बुध ग्रह। फिर आता है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मालेगांव में है। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है, जोन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा आप उसको तैयार कीजिए। मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप सारे जोन याद रखें और कैसे उन्हें याद रख सकते हैं, उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि ये जोन आपके माइंड में हर टाइम रहेंगे। और यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है चीनी के अंदर, शुगर के अंदर सुक्रोज की मात्रा, क्लियर। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? पहली जो भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ही भारतीय सिनेमा का युग कहे जाते हैं, इसलिए इन्हीं के नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, क्लियर। नेक्स्ट है कि कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति? तो असम से थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं, असम के रहने वाले। पुस्तक वार एंड पीस, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय। फिर आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो है राष्ट्रपति, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ये लिखा है प्रदीप ने, ए मेरे वतन के लोगों, इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है, ठीक है, घनत्व के, घनत्व से ही वायु के दबाव का इफेक्ट पड़ता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय प्रेशर को अगर मापा जाता है तो किस चीज में मापा जाता है? उसको मापा जाता है बैरोमीटर में, किस चीज में? बैरोमीटर में मापते हैं, क्लियर। अमीबा में कुल कितने शैल या कुल कितनी कोशिका होती है? केवल एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, तो एक ही शैल होता है या एक ही कोशिका होती है।
नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था 1963 में। फिर बात करें कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालेगांव। अभी हमने बात ही हुई कि ठीक है, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी कौन हो जाता है? मालेगांव हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन गैस, फ्रियोन गैस का यूज किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर में एक गैस और यूज होती है, वो होती है अमोनिया। तो ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आपके ऑप्शन में फ्रियोन दिया है तो आप फ्रियोन को लगाकर चलेंगे, अगर अमोनिया दिया है तो अमोनिया लगाकर चलेंगे, क्योंकि दोनों ही गैसों का यहाँ पर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे जे थॉम्सन। क्लियर। नेक्स्ट है कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित जो पहली पुस्तक थे उसके लेखक थे आत्माराम शर्मा। कौन थे? आत्माराम शर्मा। फिर आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला। तो ये दोनों ही राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने हुए होते हैं हीटर के तार। फिर आता है कि लोहे पर जंग लगने से उसके व्यवहार पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा जंग लगने से उसका भार बढ़ेगा, ना कम होगा ठीक है, ना ही स्थिर रहेगा, हमेशा बढ़ेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? माजुली द्वीप है असम के पातालपुरी जिले में। और ये माजुली जो द्वीप है ये है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, असम राज्य के पातालपुरी में। क्लियर, ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप, असम का राज्य है पातालपुरी। इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो इस्पात में होती है, यानी कि स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम को ही फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो होता है सल्फर। नेक्स्ट है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के जो ससुर थे यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं से ही उनको विरासत मिली थी इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश ने अपनी विरासत अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को दी, जो कि दिल्ली की पहली महिला सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर है कि मंदिरों का पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। फिर है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान। नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्लियर। फिर आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को, क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है, आशंका रहती है और काफी जान माल की हानि होती है, इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोशी नदी को। तो गाइज यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम है, चाहे एसएससी का, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें और साथ ही इसकी PDF डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी हम वीडियो बनाते हैं डेली बेसिस पे, हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उन सभी की PDF वहां पर आपको
अवेलेबल रहती है। तो आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर से आपके मोबाइल में पहले टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बाकी जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में जीके की वीडियोस आ रही हैं और इवनिंग में कभी मैथ्स की वीडियो आती है, कभी मोटिवेशनल वीडियो आती है। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस प्रोवाइड करा सके, बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।